ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। शनिवार को केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान किया। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 7 फेज में चुनाव कराए जाने पर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया आई है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया को इतना लंबा खींचे जाने से बीजेपी को ही फायदा होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि ये चुनाव 3 से 4 फेज में हो सकते थे। 7 फेज का मतलब है कि मोदी को पूरे देश में घूमना है, इससे उनको प्रचार के लिए ज्यादा मौका मिलेगा। हाउ द कंट्री विल प्रोग्रेस बिकॉज इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, पीपल विल नॉट मूव, material will not be supplied, budget will not be spent according to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4 this thing, so it was easy for people also to get their businesses completed, the infrastructure, everything. It should have helped, but anyway, Modi is Modi. दरअसल 1952 का पहला लोकसभा चुनाव 4 महीने तक चला था। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव ही होगा जो इतने लंबे समय तक यानी 46 दिन तक चलेगा। इस कारण देश में 16 मार्च से लागू हुई आदर्श आचार संहिता 79 दिनों तक रहेगी। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इस बार के चुनाव कई घोटालों के आड़ में हो रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला हुआ है, विपक्षियों के खिलाफ ईडी सीबीआई की रेड हुई है, मुख्य विपक्षी दल के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, ये पहली बार हुआ है। इसके अलावा डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस इलांगोवन ने कहा कि हमारे यहाँ पहले फेज में 19 अप्रैल को चुनाव होंगे, हमें 4 जून तक रिजल्ट का इंतजार करना होगा, हमें इंतजार करने के लिए अलग से तैयारी करनी होगी। वहीं पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पीटीआई के हवाले से कहा कि हम चाहते थे कि राज्य में 1 या फिर 2 फेज में लोकसभा चुनाव हो। हमारा मानना है कि अधिक चरण में चुनाव होने से ज़्यादा फंड पाने वाली पार्टीज को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा 2021 में हुए विधानसभा चुनाव 8 चरणों में हुए थे और कहा गया था कि ऐसा महामारी के कारण किया गया है, तो अब चुनाव को 7 चरण में क्यों किया जा रहा है, इसका कोई सही कारण नहीं है। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ग्रुप ने पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी में आखिरी फेज में चुनाव कराने को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि वाराणसी लोकसभा सीट पर 1 जून को चुनाव होंगे, मोदी को पूरे देश में प्रचार करने के बाद आखिर में वो अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, इससे उन्हें प्रचार के लिए समय मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र की एनसीपी शरद पवार पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड ट्रेस्टो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र में 5 फेज में इलेक्शन कराने का क्या मतलब है, भाजपा क्या करना चाहती है, क्या यह ईवीएम का खौफ है। आपको बताते चले कि लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 फेज में वोटिंग होगी। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को, दूसरे फेज की 26 अप्रैल को, तीसरे फेज की 7 मई को, चौथा फेज जो है वो 13 मई को मतदान होगा, पांचवें फेज में 20 मई को मतदान होगा, छठवें फेज में 25 मई और सातवें और आखिरी फेज की वोटिंग जो है वो 1 जून को होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।